Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. आपकी को को करते हुए आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोर, बेसिक्स सिस्टम के को। yes, students, वन हमने पूरा कर लिया है Hope आप सभी ने वीडियो देखे होंगे और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फोर के नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फोर की भी शुरुआत कर दी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन

होती है जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा उसकी सोल कहा जाता है ओके सो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम एक डेड मशीन की तरह होगा सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टन सर्विसेस टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ द प्रोग्राम्स मतलब कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को तो ठीक है हार्डवेयर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यदि आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हो कोई गेम खेल रहे हो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हो वर्ड एक्सेल पॉवर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो बिजनेस में यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो मेडिकल फील्ड में

जितने भी सॉफ्टवेयर है जितने भी प्रोग्राम हैं उनको सर्विसेस प्रोवाइड करता है और यूज़र्स को भी जो यूज़र के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मींस कि जो यूज़र्स होते हैं और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करवाने के लिए उनके बीच में इंटरफेस के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है तो यूज़र और हार्डवेयर को जो कम्युनिकेट करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बेसिकली इंटरफेस की तरह यूज़ किया जाता है यूज़र के एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है ठीक है इतना भी क्लियर है अब एक्चुअली में इसके क्या रोल होते हैं इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं क्या क्या रोल है किस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है सो सम कॉमन सर्विस सम कॉमन सर्विसेज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड सम कॉमन सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है उसमें सबसे पहली जो कॉमन सर्विस है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो जो भी कोड करते हो जो भी प्रोग्राम करते हो ठीक है वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूशन में हेल्प करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हो कीबोर्ड से माउस से स्कैनर से जिस भी किसी डिवाइस से आप जो भी टाइप का डेटा इनपुट कर रहे हो है ना और जो आपको आउटपुट मिल रहा है प्रिंटर के थ्रू स्पीकर के थ्रू प्लॉटर के थ्रू प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर के थ्रू इन्हें हैंडल कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम जो बेसिकली जितनी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है ना उन्हें मैनेज करने का काम करता है ठीक है फाइल सिस्टम जहां सारी फाइल्स फोल्डर्स स्टोर होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग एरर यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आती है उसको सॉल्व कौन करता है उसको हैंडल कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अब एरर का मतलब कोई डिवाइस आपका वर्क नहीं कर रहा है कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है माउस वर्क नहीं कर रहा है उसका रिपोर्ट आपको दिखता है ना एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज में शो होता है दिस डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऐसा मैसेज कौन भेजता है उस एरर को रिजोल्व करने का काम कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली यही सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है रिसोर्स अलोकेशन आपको जिस भी रिसोर्स की जरूरत है वो रिसोर्स यूजर को अलोकेट कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है जितने भी रिसोर्सेज की यूजर्स को जरूरत है या कंप्यूटर को ज़रूरत है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उनको बेसिकली उनको सिक्योर कौन रख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस अगेन यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर ईजिली कंप्यूटर पर काम कर सके ये काम भी किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो इतने सारे रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करता है ये सारी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है मीन कुल मिला के बात की जाए एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ कि सपोज यहाँ पर हम की से कुछ डेटा को एंटर कर रहे हैं आपने कीबोर्ड से कुछ लिखा तो वो मॉनिटर पे दिखा कैसे आपको किसने बताया कि कीबोर्ड को वो डेटा मॉनिटर तक पहुंचाना है किसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपने तो बकायदा की से एंटर कर दिया आपने की को कनेक्ट किया हुआ है की से जो लिखा आपने मॉनिटर पर दिखा तो इसके लिए जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऑर्डर देने के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जिसका यूज कर रहे हो ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है अब मॉनिटर से डेटा मेमोरी में स्टोर होता है तो मेमोरी में कैसे जाएगा कौन इंस्ट्रक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये वर्क कैसे कर रहे हैं कलेक्टिवली कंबाइनली कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे आपको एक डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं इन सब को कलेक्टिवली चलाने का, का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स का काम होता है मम्मी पापा दोनों मिलकर ही पूरे ओवरऑल घर को चलाते हैं ना हर एक छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं आपके आपके घर में जो अदर मेंबर्स है उनका भी है ना तो एक तरीके से पूरे घर को ऑपरेट करने वाला जो पर्सन होता है चाहे मदर या फादर या दोनों मिलकर तो वो बिल्कुल वैसे ही हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जितने भी रिसोर्सेज जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं उन सभी को मैनेज करने का काम इसी का होता है, है ना इसमें अलग अलग टाइप के रोल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है अब जितने भी रोल्स हमने यहाँ देखे ना इन सभी को हम वन बाय वन ना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल में आज के मोटिव आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि जितने भी रोल्स अभी हमने देखे हैं इन रोल्स को हम समझने वाले हैं इंडिविजुअल रोल आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है कैसे काम कर रहा है राइट right? सो so, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो ठीक है आप चाहे हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ प्रोग्राम लिखते हो या आप कंप्यूटर में कोई सा भी छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन देते हो सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल होता है उस टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस प्रोग्राम्स वेदर यूजर प्रोग्राम्स और सिस्टम प्रोग्राम्स अब वो प्रोग्राम कोई सा भी हो सकता है या तो कोई यूजर ने दिया हुआ प्रोग्राम हो सकता है या फिर कोई सिस्टम का प्रोग्राम हो सकता है दैट इज स्पेशल प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर मशीन फंक्शनिंग है ना मीन्स की यदि हम यहाँ पे बात कर लें जैसे यूजर ने कोई सी सी लैंग्वेज या पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखा तो वो प्रोग्राम कंपाइलर तक पहुंचाना ताकि कंपाइलर उसे इंटर कंपाइल कर सके मशीन तक पहुंचाए मशीन में फिर आउटपुट जनरेट हो सके एग्जीक्यूशन हो सके इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो हमारे यूजर के प्रोग्राम्स की बात हुई इंटरनली मशीन में भी जो प्रोग्राम्स जनरेट होते हैं जो आप डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह का यूज़ करते हो तो ये भी वर्क कैसे करते हैं किसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सारे डिवाइस को भी वर्क करवाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की ओके okay, तो कैसा भी प्रोग्राम हो कोई सिस्टम का प्रोग्राम हो या फिर कोई यूज़र का प्रोग्राम है बेसिकली उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है भले ही उसके लिए डिवाइस अलग होता है जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी कि आपने आपने क्या हुआ इनपुट डिवाइस से कुछ डेटा इनपुट किया यहाँ से आपने कीबोर्ड की मदद से कुछ डेटा इनपुट किया ठीक है इनपुट किया यहाँ पे देखो सीपीयू रहता है सीपीयू में ये रहता है प्रोसेसर ठीक है अब प्रोसेसर का, का काम क्या है जो भी आपने इनपुट किया उसको प्रोसेस करना मेमोरी में वो डेटा बेसिकली स्टोर होता है इतना हमने पढ़ लिया है मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है यहां से फिर आउटपुट डिवाइस पे आपको डेटा दिखता है ठीक है तो ये ओवरऑल डेटा का फ्लो होता है कि इनपुट डिवाइस से आपने डेटा को इनपुट किया प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ध्यान से समझना ये जो प्रोसेसर है जो डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली ये प्रोसेसर को कैसे पता होता है कि किस डेटा को एग्जीक्यूट करना है कौन सी पहले जॉब है कौन सा पहले टास्क है जो परफॉर्म करना है ये कौन बताता है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बताएगा ना यहां से इनपुट डिवाइस से डेटा उसको लेना है मेमोरी से डेटा एक्सेप्ट करना है ठीक है आप कंप्यूटर में कितने सारे काम करते हो एक साथ आप सॉन्ग सुनते हो आप प्रिंटिंग निकालते हो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो आप म्यूजिक सुन रहे होते हो साइड में मूवी चल रही होती है ठीक है आप बहुत सारे काम एक साथ परफॉर्म करते हो और कंप्यूटर सारे काम को

एक एक करके फिनिश करोगे आप खुद प्रायोरिटी डिसाइड करोगे कि पहले ये 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 करना 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 है 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 फिर फिर तो यहाँ प्रोसेसर को सोचो प्रोसेसर को कितना सारा काम करना रहता है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रोसेसर के बारे में कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में करके देता है प्रोसेसर इसलिए इसलिए तो सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है तो यहां पे प्रोसेसर को किस टास्क को पहले एग्जीक्यूट करना है यूजर से जो टास्क आ रही है उसे एग्जीक्यूट करना है सिस्टम में इंटरनली बहुत सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसे एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर

इनपुट डिवाइस से डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा मेमोरी तक ये चेक करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जैसे आपके फादर मदर आपको चेक करते हैं नहीं करते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप खेलने गए नहीं गए आप टाइम से लंच कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है काम आप कर रहे हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है आपकी मदर की आपके फादर की आ रही है मेरी बात समझ में है ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इनपुट डिवाइस से जो डेटा इनपुट किया गया वो मेमोरी तक पहुंचा नहीं पहुंचा प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया नहीं किया आरी बात समझ में और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट हुआ वो आउटपुट आपको यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा नहीं दिखा ठीक है और आउटपुट यूनिट ने आउटपुट जनरेट किया नहीं किया ठीक है ये बेसिकली काम किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम सो कीबोर्ड से आप जो भी डेटा एंटर करते हो कीबोर्ड से आपने जो भी इनपुट किया सपोज आपने 2+2 इनपुट किया तो 2+2 जो डाटा है वो फ्लो करेगा ठीक है फ्लो करके कहा पहुंचेगा मेमोरी के पास मेमोरी में पहले टू प्लस टू स्टोर हो जाएगा ये कैसे हो रहा है मेमोरी में पहुंच गया तो ये आया कैसे यहाँ पहुंचा कैसे इसकी दारमदारी किसकी थी ये डेटा का फ्लो किसने मैनेज किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेटा का फ्लो मैनेज किया हुआ है ओके आ रही बात समझ में सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स जितने भी टाइप ट आप इनपुट देते हो कंप्यूटर सिस्टम में वो मेमोरी तक पहुंचे प्रोसेसर तक पहुंचे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करें फिर आउटपुट यूनिट के पास पहुंचे और आउटपुट आपको दिखे ठीक है इन सभी टास्क टास्क को ये जितने भी टास्क अलग अलग डिवाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं ना इनको मैनेज करने का काम इनको हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है एग्जाम्पल इनपुट फ्रॉम की बोर्ड इनपुट फ्रॉम माउस एक्सेट्रा एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट इन अप्रोप्रिएट मैनर सिमिलरली अलग अलग डिवाइसेस से आप इनपुट करते हो माउस से आप कुछ सिलेक्शन कर रहे हो कीबोर्ड से आप कुछ टेक्चुअल डेटा इनपुट कर रहे हो स्कैनर कनेक्टेड है उससे आप कुछ डेटा स्कैन कर रहे हो तो देखो ये डायग्राम वही बता रहा है कि इनपुट यूनिट से आप जो भी कुछ इनपुट करते हो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको आउटपुट दिखता है जैसे यहाँ पे एक एलईडी बल्ब ग्लो करते हुए आपको शो हो रहा है इस डायग्राम में ठीक है तो यहाँ पे जो ओवरऑल मैनेजमेंट का काम है ओवरऑल जो मैनेजमेंट का काम है वो किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है फॉर इंस्टेंस if the input is coming from mouse then it requires different type of handling as compared to input coming from keyboard similarly if an output is targeted for printer then it requires different type of handling as compared to output targeted for monitor aa gayi baat samajh mein dono example aapke samne hai आप जो भी डेटा इनपुट करते हो कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू तो दोनों में अलग अलग टाइप की हैंडलिंग होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है देखो माउस के थ्रू आप कैसा डेटा इनपुट करते हो माउस के थ्रू आपको सिलेक्शन करते हो है ना या फिर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो कीबोर्ड से आप कुछ अलग टाइप का डेटा इनपुट करते हो हर एक इनपुट डिवाइस से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को इनपुट करते हो कंप्यूटर सिस्टम से अब कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट करता है टेक्सुअल ऑडियो वीडियो साउंड ग्राफिक्स इमेजेस है ना इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट कर सकते हो तो अलग अलग वेराइटी ऑफ इनपुट्स को मैनेज करना हैंडल करना किसका काम हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल वैसे ही जो आउटपुट भी जनरेट हो रहा है वो भी तो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में जनरेट हो रहा है आप टेक्सचुअल आउटपुट देख सकते हो प्रिंट आउट के फॉर्मेट में आउटपुट देख सकते हो सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में प्रोजेक्टर के थ्रू लार्ज व्यू देख सकते हो प्लॉटर्स के थ्रू आप डिफ डिफरेंट डिजाइन के फॉर्मेट में आउटपुट एक्सेस कर सकते हो स्पीकर से साउंड आउटपुट एक्सेस कर सकते हो तो हर एक आउटपुट को सही जगह पर पहुंचाना सही तरीके से जनरेट करना इसको हैंडल कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आगे मेरी बात समझ में वेराइटी ऑफ इनपुट और वेराइटी ऑफ आउटपुट्स को मैनेज करना ये काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है तो पहला हमने देखा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना दूसरा हमने देखा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एग्जीक्यूट करना अब तीसरा रोल देखो तीसरी सर्विस जो आपको आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम को मैनेज करना फाइल सिस्टम क्या हुआ ये भी हमें अच्छे से पता है पढ़ा है हमने थर्ड चैप्टर में फाइल सिस्टम This task involves the making of decisions regarding the storage of files, that is whether on hard disk or flash drive, and how a particular file is to be stored. बिल्कुल वैसे ही फाइल्स को मैनेज करना जैसे आप अपनी अलमीरा में या उस जगह पर जहाँ पर आप अपने सारे फोल्डर्स को फाइल्स को स्टोर करके रखते हो आप अपनी कबर्ड में जहाँ पे अपनी सारी बुक्स वगैरह को स्टोर करके रखते हो

जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहते हो और आप चाहते हो कि ईजिली आप हर चीज़ को एक्सेस कर लो जब आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल वैसे डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम में भी जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स आप क्रिएट करते हों वो फ़ाइल फ़ोल्डर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर रहते हैं जिसके लिए हम फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जिसके लिए हम फाइल मैनेजर विंडोज एक्सप्लोर का यूज़ करते हैं तो इन सारे काम को हैंडल कौन करता है सॉफ्टवेयर तो अपना काम करते ही है लेकिन इन सारे काम को हैंडल एक्चुअली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है तो वही लाइन यहां पे लिखी हुई है दिस टास्क इन्वॉल्व दी मेकिंग ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ फाइल्स अब यहां पे फाइल्स को आपको हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना है फ्लैश ड्राइव में स्टोर करवाना करवाना है कहां करवाना है स्टोर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर तो आप जहाँ भी स्टोर करते हो बेसिकली यहाँ पे इस ओवरऑल टास्क को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके लिए डिसीजन कौन लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेता है आई बात समझ में फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके पास है फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में फाइल को स्टोर कर रहा है लेकिन फाइल सिस्टम तक फाइल कैसे पहुंच रही है फाइल सिस्टम में एक्चुअली फाइल को मैनेज किया हुआ है नहीं किया हुआ है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है आगे बात समझ में चलिए एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग ये चौथा रोल होता है इसका बेसिकली एरर को डिटेक्ट करना और उसको हैंडल करना कि सही टाइम पे एरर सॉल्व हुआ नहीं हुआ ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है मींस कि कोई डिवाइस सपोज आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो अब देखा जाए तो कीबोर्ड का पिन पीछे से लूज है जो आपने सीपीयू में कीबोर्ड का पिन लगाया हुआ है है ना जो केबल लगाई हुई है वो लूज है या गलती से वो निकल गई अब आप की का यूज़ कर रहे हो और सोच रहे हो की से मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो दिख क्यों नहीं रहा है मुझे मॉनिटर पर चल नहीं रहा की आप बेसिकली यही बोलोगे आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आपने पिन कनेक्ट किए या नहीं किए है।, है ना आप रेगुलरली वर्क कर रहे हो रेगुलरली चलता है की लेकिन हो सकता है गलती से पिन निकल गया हो तो अब आप की बोर्ड जब काम कर रहे हो तो आपको वो वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जब आप की का काम कर रहे हो और वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास एक मैसेज आएगा लाइक की इज नॉट कनेक्टेड ऐसा कुछ मैसेज आएगा आएगा या फिर हार्डवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली या हार्डवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली ऐसा कुछ मैसेज आपको देखने को अपनी स्क्रीन पे मिलेगा और जनरली ऐसा होता है अब सिर्फ कीबोर्ड ही नहीं कोई सा भी डिवाइस हो चाहे माउस हो या कोई आप पेन ड्राइव वगैरह को कनेक्ट कर रहे हो तो ऐसा मैसेज आपको देखने को मिलता है ऐसी एरर आपको देखने को मिलती है आ रही है बात समझ में अब इस मैसेज को आपने कैसे पढ़ा ये मैसेज आपके पास कैसे आया ये किसने भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही डिटेक्ट किया कि यूजर जिस डिवाइस को यूज करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं है या कनेक्टेड होकर कोई प्रॉब्लम की वजह से जब कोई हार्डवेयर एक्चुअली काम नहीं करता है कोई एरर आती है उसमें खराब हो जाता है है ना उसको रिपेयरिंग की नीड होती है तो वो मैसेज भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उन सभी में कोई एरर तो नहीं है सभी डिवाइसेस को चेक करने का काम इसी का ही होता है तो एरर डिटेक्शन में हेल्प

आपके साथ हो सकता है कि आपको किसी पढ़ाई को कंप्लीट uh, करने में प्रॉब्लम जा रही है आपको मैथ को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है बहुत टफ क्वेश्चन है ठीक है अब आप क्या करोगे अब आपको सोल्यूशन सोचोगे राइट अब आपको प्रॉब्लम्स जा रही है लेकिन उसके लिए एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा सपोज आपने सोचा कि आपको ट्यूशन जाना चाहिए या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए राइट right. तो अब इसके लिए रेस्पॉसिबल कौन होगा जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको अथॉरिटी नहीं देंगे आपके पेरेंट्स आपको उसके लिए गाइड नहीं करेंगे तब तक आप क्या आप उस काम को कर पाओगे नहीं ना तो जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प रहते हो वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस होते हैं यदि वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे किसी में कुछ एरर है है ना उनको चेक करना उनको कंट्रोल करना उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है ओके okay? सो so, आगे मेरी बात समझ में अच्छे से एरर को डिटेक्ट करने में और एरर को सॉल्व करने में ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है नाउ रिसोर्स अलोकेशन अब रिसोर्स अलोकेशन का एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या होता है रिसोर्स अलोकेशन मीन्स कुछ एक नेटवर्क का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं ठीक है तो उससे आपको समझ में आएगा आपने इंटरनेट कैफेज़ पे गए हो यूज़ किया हुआ है चलो छोड़ो स्कूल में देखा है आपने स्कूल में सपोज आपके पांच कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर लैब में इस तरीके से चार पांच कंप्यूटर आपके कंप्यूटर लैब में है और ये सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ठीक है चलिए इतना भी समझ में आ गया अब क्या होता है ये नेटवर्क में कनेक्टेड है अब आपके कंप्यूटर स्कूल में जो कंप्यूटर है वहाँ पे एक सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है क्या कनेक्टेड है एक सिस्टम से इस तरीके से प्रिंटर कनेक्टेड है ठीक है अब सपोज ये वन टू थ्री हम इन कंप्यूटर्स को नाम दे देते हैं फर्स्ट कंप्यूटर भी प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है थर्ड कंप्यूटर भी प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है फोर्थ कंप्यूटर भी प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है सेकेंड वाले कंप्यूटर से तो प्रिंटर कनेक्टेड है ही पर ये तीनों कंप्यूटर्स जो है ना ये भी इस प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो अब क्या होगा अब कैसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर जो है एक रिसोर्स है जो इन सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर होगा प्रिंटर क्या है एक रिसोर्स है जो इन सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर होगा क्योंकि हमने इन्हें नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है तो ये जो रिसोर्स अलोकेशन आप पॉइंट पढ़ रहे हो ना उसका मतलब यही है कि एक प्रिंटर एक जो रिसोर्स है जो नेटवर्क में इन सारे कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्टेड है तो जब भी किसी कंप्यूटर को इस प्रिंटर की जरूरत होगी तो ये प्रिंटर को अलोकेट करना उस डिवाइस को ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा आई बात समझ में तो जितने भी रिसोर्सेस यहां पे कनेक्ट होंगे उन रिसोर्सेस को सही सिस्टम तक ले जाना उसको अलोकेट करना जिस भी सिस्टम ने रिक्वेस्ट है ये बेसिकली काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है सपोज फर्स्ट नंबर वाले कंप्यूटर ने कुछ कमांड दिया प्रिंटिंग के लिए तो फर्स्ट वाले कंप्यूटर कंप्यूटर को प्रिंटर किया जाए ठीक है है ये बेसिकली काम ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का एट अ टाइम दो ने फर्स्ट और फोर्थ दोनों ने प्रिंटिंग का कमांड दे दिया तो अब दोनों में से पहले किसने कमांड दिया है उसके टास्क को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रिंटर पहले उसको अलोकेट किया जाएगा देन नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी फिर उसको प्रिंटर अलोकेट किया जाएगा

है ना आप एक ही प्रिंटर को चारों के साथ शेयर कर सकते हो तो एक प्रिंटर को मैनेज करना चारों सिस्टम के साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि सभी चारों कंप्यूटर के लिए प्रिंटर को अवेलेबल कर सके फॉर एग्जाम्पल इफ़ मल्टीपल फाइल्स आर टू बी प्रिंटेड यदि आपको मल्टीपल फाइल्स को प्रिंट करवाना है

तो आपने बढ़िया कमांड दे दी कि टेन पेजेस को आपने प्रिंट करना है तो पहले पहला ही पेज प्रिंट होगा फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा ये क्यों हुआ किसी भी ऑर्डर में पेजेस प्रिंट क्यों नहीं हुए इसे सिक्वेंस में ही क्यों प्रिंट हुए आ रही बात समझ में आपने प्रिंटिंग की कमांड दी आपने वन टू टेन लिखा भी ठीक है तो आपने ये जो सिक्वेंस लिखा है वन टू तो टेन ठीक है इसी के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग हो रही है पहला प्रिंट पहला पेज प्रिंट होगा फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा तीसरा पेज प्रिंट होगा ऐसे पूरे टेन पेजेस आपको प्रिंट होकर तो प्रिंटिंग को कंट्रोल करने वाला रिसोर्स है है ना जो सॉफ्टवेयर है वो कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस टास्क को एक्चुअली मैनेज करता है ओके सो so, होप ये रिसोर्स एलोकेशन वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग अब अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ जैसे आप जो भी काम करते हो ना उसका हिसाब कौन रखता है आप कुछ अच्छा कर रहे हो आप कुछ बुरा कर रहे हो है ना इसका हिसाब कौन रखता है आपके पेरेंट्स रखते हैं ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि पूरे घर को ऑपरेट करना है ना जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मैनेज करना उस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उन्हीं का काम होता है वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डिवाइसेस की अकाउंटिंग रखता है सारे डिवाइसेस का हिसाब रखता है जैसे हम बात करें ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स एन अकाउंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनिंग इज टेकिंग प्लेस कि किस टाइप की फंक्शनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है ठीक है या कौन सा डिवाइस किस टाइप की फंक्शनिंग परफॉर्म करता है एंड व्हाट टाइप ऑफ एरर्स हैव ऑकर्ड और किस टाइप की एरर एक्चुअली ऑकर हो रही है इन सभी चीजों का हिसाब कौन रख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डिवाइस कैसा काम करने वाला है कौन सा डिवाइस किस तरीके से परफॉर्म करेगा क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसमें क्या एरर आ रही है उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है नाउ इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हो जो भी आप डेटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हो जो भी रिसोर्स कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होता हैं, अब ये रिसोर्स का मतलब तो क्लियर है ना डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन जो डेटा आप स्टोर करवा रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में फाइल फोल्डर्स के फॉर्मेट में इन्हें प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट मतलब ये डैमेज ना हो कोई हार्डवेयर डिवाइस डैमेज ना हो कोई इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो ठीक है कोई अनऑथराइज्ड यूजर गलती से उसे एक्सेस ना करे तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है कि आप गलत रास्ते पर ना चले जाओ आप हमेशा सही सोचो सही काम करो अच्छे काम करो पढ़ाई करो आगे बढ़ो खुश रहो है ना और कैसे आप आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ गलत करते हो तो आपको समझाते हैं है ना बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम से जितने भी रिसोर्सेस कनेक्ट होते हैं प्रिंटर स्कैनर कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट होता है उन्हें प्रोटेक्ट करके उनको बचाने का काम करता है ठीक है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन मशीन आर यूज इन द करेक्ट वे वो ये इंश्योर करता है बेसिकली कि जितनी भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है यूजर्स के लिए वो हमेशा मशीन के थ्रू करेक्ट वे में यूज किए जाए मतलब कंप्यूटर सिस्टम में करेक्ट वे में उसका यूज किया जाए द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स दी अटैंप टू यूज दैम इनकरेक्टली और जो भी इसे इनकरेक्टली यूज करता है बेसिकली उसको ये विफल करता है उसकी इस कोशिश को वो नाकाम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आई बात समझ में इनकरेक्टली यूज होने से बचाता है हर एक फाइल फोल्डर को और आपके जो भी रिसोर्सेज है उन्हें पहले ही आपको एक एरर मैसेज से इन्फॉर्म कर देगा कि ऐसा हो रहा है ये गलत है इस फाइल को डाउनलोड मत करो उसे इंस्टॉल मत करो ये हार्मफुल है ठीक है आ रही बात समझ में और ऐसा करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट कर देता है क्लियर हो रहा है समझ में तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रोल्स डिस्कस कर रहे हैं क्लियर हालांकि ये हर एक काम के लिए अलग से डिवाइसेस होते हैं जैसे मैंने बताया इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है लेकिन इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है कि इनपुट सेंड करो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही बात समझ में फाइल्स को रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सिस्टम में डिवाइसेज सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन उन्हें हैंडल कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर ऑल दिस सर्विसेज आर इंश्योर्ड बाई द टिंग सिस्टम दी फंक्शन ऑफर्ड बाई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनादर बट मोर और लेस दे प्रोवाइड द सेम सर्विसेज अब आज मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है पहले की यदि बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा फेमस था है ना लेकिन आजकल बहुत सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मार्केट में मिलेंगे जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओ एस है ना सो so, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब आपको टोटली डिफरेंट सर्विसेज देते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे रोल परफॉर्म कर रहा है लेकिन लाइनेक्स परफॉर्म नहीं करता है या लाइनेक्स ये सारे रोल परफॉर्म कर रहा है तो मैक ओ ये परफॉर्म नहीं करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो काम उसके यही सारे रहते हैं है ना कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग में क्योंकि इनके जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही होता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना दीज ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आर ऑफर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्रोग्रामर टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली प्रोग्रामर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना मतलब यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना कि वो कंप्यूटर सिस्टम का सही तरीके से यूज़ कर सके ठीक है सही तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म पर, पर, कर सकें आगे मेरी बात समझ में यही मेन लाइन्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो हमने अभी यहाँ पर देखी नाउ प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है मतलब यूजर कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा है यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा है आपकी और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में सो यूजर इंटरफेस रिफर्स टू अ वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट विद द यूजर तो करेक्ट वर्ड हम यहाँ इंटरैक्ट यूज करेंगे कि यदि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो अपने फाइल फोल्डर्स को क्रिएट करना चाहते हो अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म करना चाहते हैं कुछ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन जैसा वर्क करना चाहते हो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन कंप्यूटर यहाँ पर बेसिकली इंटरेक्शन के लिए आपको

ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूजर और हार्डवेयर दोनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके लिए जो इंटरफेस की तरफ बेसिकली वर्क कर रहा है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के यही दो कॉम्पोनेंट है कर्नल और शेल मीन्स कभी सोचा है कि यूजर और हार्डवेयर दोनों के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे वो दोनों को मैनेज कर पा रहा है यूजर के भी टास्क को ईजिली परफॉर्म कर पा रहा है और जितने हार्डवेयर है उनको भी मैनेज कर पा रहा है आई मेरी बात समझ में तो यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नल और शेल की ये दो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं ठीक है अब कर्नल का क्या काम होता है और शेल का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं तो कर्नल बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में मतलब जितने भी हार्डवेयर को मैनेज करने का जो काम होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन करता है कर्नल करता है तो कर्नल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद हार्डवेयर और शेल एस एच ई डबल एल जी शेल की मैं बात कर रही हूँ ये शेल रेस्पॉन्सिबल होता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आ गई बात समझ में द कर्नल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विथ हार्डवेयर एंड द शेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरक्टिंग विथ यूज़र यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए शेल का यूज़ करना है और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कर्नल यूज होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है कर्नल एंड शेल आई बात समझ में तो यहां पर कर्नल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है और शेल के थ्रू हार्ड यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करता है ठीक है तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं कर्नल एंड शेल जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं एंड एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो इतना सारा काम करता है इतने सारे रोल प्ले करता है है ना प्रोटेक्शन का आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो एक तरीके से एक प्रोटेक्टर है ठीक है सारे डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है तो एक तरीके से एक मैनेजर का, का काम कर रहा है ठीक है एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है ठीक है तो एक्जीक्यूशनर की तरह भी वर्क कर रहा है तो ओवरऑल हर तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो किन की मदद से उसके इन दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की मदद से कर्नल और शेल की मदद से आ गई बात समझ में सो कर्नल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विथ विद हार्डवेयर बहुत ध्यान रखना ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार इस लाइन को आपको बता रही हूँ कि कर्नल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरक्टिंग विथ हार्डवेयर एंड

कैसे इंटरैक्ट करता है कमांड इंटरप्रिटर के फॉर्मेट में कैसे कमांड इंटरप्रिटर के फॉर्मेट में मतलब यूजर जो भी कमांड देते हैं आपने जो भी कमांड दी आपने प्रिंटिंग के लिए प्रिंट कमांड दी आपने किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए माउस से डबल क्लिक किया या फिर आपने कुछ भी कमांड दिया कंट्रोल सी प्रेस किया कॉपी करने के लिए तो जो भी आप कमांड दे रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेल पार्ट होता है जो शेल कंपोनेंट होता है वो उस कमांड को एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पे आपने जो भी टास्क दिया है जो भी कमांड दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाता है आई बात समझ में तो so वही लिखा है द शेल एक्ट एज कमांड इंटरप्रेटर विच टेक्स द कमांड फ्रॉम द यूजर जो यूजर से कमांड को एक्सेप्ट करता है उसे इंटरप्रेट करता है है ना एंड टेक्स द एक्शन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेता है

है ना ब्लैक कलर का एक स्क्रीन ओपन होता है यही तो प्रॉम्प्ट होता है यहीं पर आप क्या कर सकते हो बेसिकली कमांड्स लिख सकते हो फाइल फोल्डर्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो डॉस जो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट में वर्क करते थे कमांड इंटरफेस आपको देता था लेकिन आजकल जिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे विंडोज की बात कर लू मैं विंडोज टेन इलेवन है ना लिनक्स की बात कर लें हम ठीक है ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एंड रिमेंबर इस ग्राफिक्स का क्या मतलब हुआ कि आपको सारी चीजें पिक्चर्स के फॉर्मेट

तो लिस्ट के फॉर्मेट में आपको सारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं अब यहाँ पे कमांड तो नहीं लिखना है तो दिस इज अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहां आपको फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए क्रिएट करने के लिए कमांड देनी होती थी आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको देते हैं वहां आपको एक सिंगल क्लिक से दुनिया भर के काम हो जाते हैं ठीक है सो जीओ आई इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम हैव शेल्स दैट ऑफर ग्राफिकल एलिमेंट्स फॉर इंटरेक्शन ठीक है तो यहां पे ग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स जी ओ आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन आपकी बुक में विंडोज सेवन दिया हुआ है बट हम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे विंडोज टेन और इलेवन पे सो यू डोंट वरी ठीक है वही सारे ऑप्शन जो आपको विंडोज सेवन देता है वही सारे ऑप्शन आपको टेन इलेवन में भी मिलते हैं छोटे मोटे डिफरेंसेस के साथ में इन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाता है मतलब कुछ आईकन्स वगैरह आपको दिख जाते हैं ठीक है वही स्टार्ट बटन होता है स्टार्टिंग से चलता रहा स्टार्ट बटन में एस टी एर टी स्पेलिंग के साथ एक ग्रीन कलर के टास्क बार पे दिखता था आजकल स्टार्ट बटन का लोगो आपको दिखने लग जाता है आ रही बात समझ में बस ऐसे छोटे मोटे ग्राफिकली डिफरेंस आपको दिखते हैं ओके okay? नाउ यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट रोल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस किया है एंड होप आपको हर एक रोल अच्छे से समझ में आया है और ये आपको क्लैरिटी हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम में यदि वीडियो अच्छी लगी है अच्छे से सारे समझ में ओलम्पियाड यूपी बिहार बोर्ड और अप टू एम बी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन सो मैग्नेट ब्रेन्स पर यदि आपको एक्सेस करना है सारे वीडियो लेक्चर्स को तो आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि आप मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मैग्नेट वेबसाइट का यूज़ भी कर सकते हो यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहते हो लेटेस्ट अपडेट और रीसेंट अपडेट्स के लिए तो आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे पेजेस को भी मैग्नेट ब्रिंस यदि आपको बुक्स ई बुक्स नोट्स ई नोट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ टिल देन स्टे येपी थैंक यू सो मच